देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और फाइनली दोस्तों रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़े बदलाव भी हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन में किसान को अपने बैंक डिटेल बिल्कुल भी नहीं देनी होगी और बैंक डिटेल के साथ साथ बैंक डायरी की जो कॉपी अपलोड करनी होती थी PDF बनाकर, वो भी अब अपलोड नहीं करनी होगी। यानी अब डॉक्यूमेंट अपलोड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट करना होगा, वो खतौनी का PDF बनाकर, और किसान को कोई भी डिटेल नहीं डालनी होगी, सिर्फ अपनी ज़मीन की डिटेल डालनी है और बाकी सारा आधार नंबर डालने पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ आधार बेस आवेदन होगा, आधार बेस PM किसान योजना में सारा सिस्टम कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब PM किसान योजना का पैसा आखिर कैसे मिलेगा। आवेदन करने से पहले किसान को क्या क्या चीज़ें चेक करनी होगी और कौन से अकाउंट में पैसे आएंगे, कौन सा अकाउंट PM किसान में मान्य होगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और किसानों का जो पहले वाला किसान है, जैसा पहले पैसा मिल रहा था, उनके अकाउंट में ना लिखा रहे, यानी उनका भी अकाउंट नंबर हट चुका है, अब उनका भी अकाउंट का कोई काम नहीं है, सारा सिस्टम आधार बेस हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप नए आवेदन को लेकर अभी आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और स्टेट चूज करके कैप्चा को डालकर OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो आप मोबाइल और लैपटॉप से आवेदन कर सकते हो। आवेदन का ID नंबर भी मिल रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप आसानी से लास्ट में मिल जाता है। फॉर्म सेव होने लग गया, पहले सेव नहीं होता था। तो यहाँ पर मैं डिटेल डालकर फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट का चुनाव पहले ही कर लिया है, ब्लॉक का चुनाव करना होगा, विलेज का चुनाव, और अब यहाँ पर फॉर्मर की पर्सनल डिटेल डालनी होगी। पर्सनल डिटेल में बाकी डिटेल है ऑटोमेटिक आधार से आ जाएगी, कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, सिर्फ यहाँ पर चेक करना होगा कि कोई नाम में प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल है वो डालनी होगी, ज़मीन कब नाम हुए थे और आपकी ज़मीन 2019 से पहले की नाम हुई है या फिर 2019 के बाद है, ज़मीन कैसे मिली है, ज़मीन विरासत में मिली है या फिर आपने ज़मीन खरीदी है, वो आपको चूज करना होगा। फादर की, हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, पट्टा नंबर है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलता है, लैंड चूज फाइल, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जो भी डॉक्यूमेंट आपने PDF बना रखा है वो आप यहां पर डाल दीजिए। और आपको आधार कार्ड का भी अपलोड नहीं करना है डॉक्यूमेंट और ना ही बैंक डिटेल का, यानी बैंक डिटेल का पूरा फॉर्मेट ही बंद कर दिया है, अब आपको बैंक डिटेल बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो इसके लिए आपको मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप नया आवेदन अभी कर रहे हैं या फिर आपने कर दिया है, तो आपको बिना अकाउंट के, बिना बैंक डिटेल के पैसा किस तरह से मिलेगा, वो चलिए आपको बताता हूँ। आप जैसे गूगल पर जाकर सर्च करोगे PM किसान न्यू रजिस्ट्रेशन विदाउट बैंक डिटेल माही इन्फो, जैसे आप ये सर्च कर लोगे, लास्ट में आपको माही इन्फो नाम ज़रूर डालना है। तो माही इन्फो की वेबसाइट में इस तरह का पेज ओपन होगा, विदाउट बैंक डिटेल, जैसे आप सर्च कर लेना विदाउट बैंक डिटेल माही इन्फो, तो आपको मिल जाएगा। 2000 रुपये DBT के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। ये DBT का पैसा आपको किस तरह से मिलेगा, कौन से बैंक में मिलेगा, कौन से बैंक मान्य होगा, ये चेक यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर सभी स्टेटस हमने उपलब्ध करा दिए हैं। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेटस आपको चेक करना है कि आपका जो बैंक और आधार का स्टेटस है वो चालू होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको अगर आपके स्टेटस में इस तरह से कैंग्रेचुलेशन आधार बैंक मैपिंग हैज़ बिन डन दिखा रहा है, तभी आपको पैसा मिलेगा। और कौन से बैंक में मिलेगा, जो यहाँ पर आपका बैंक आधार के साथ लिंक है, जैसा कि इस किसान का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है तो इसी बैंक में पैसा आएगा, और कुछ किसानों का अदर बैंक में लिंक है तो उस हिसाब से आपका पैसा आएगा। यानी बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए, इस तरह से स्टेटस ओपन होना चाहिए। अगर इस तरह से स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको बैंक खाते में ऑनलाइन आधार लिंक करने के लिए, ऑफलाइन आधार लिंक करने के लिए क्लिक कर पर क्लिक करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बैंक ब्रांच आना होगा, ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं। और आधार बैंक का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर आपको आवेदन करने के बाद ये चेक करना होगा कि हमारे जो बैंक में आधार लिंक है वो PM किसान में भी मान्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर आपको जो PM किसान बैंक स्टेटस चेक करना होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप बैंक खाते में आधार लिंक है वो PM किसान में मान्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर मान्य एक्सेप्ट है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर रिजेक्ट है तो आपको बैंक खाता चेंज भी करना होगा जो NPCI के साथ लिंक है, यानी आधार के साथ लिंक है। यही थी महत्वपूर्ण जानकारी नए आवेदन वाले किसानों के लिए, आधार बेस पे आपको मिलेगा। वीडियो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।